हम लोगों को प्रदेश अध्यक्ष भी है, हम लोगों को पूरे बिहार का प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन यहाँ के लोगों से मैं जानने की कोशिश करूँगा, यहाँ कितने लोग जानते हैं कि हमारे अनुरक्षा के प्रदेश अध्यक्ष भी है? कोई आदमी जानता है क्या? प्रदेश अध्यक्ष हम लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा, कोई नहीं जान रहा है कि हमारे बिहार में प्रदेश अध्यक्ष भी है। और कुछ ऐसे प्रदेश अध्यक्ष हैं जो कहते हैं कि हम सबके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप लोग घर में बैठे रहिए, सोए रहिए। और यहाँ जो हम अनुरक्षक लोग हैं, उन लोगों को पता ही नहीं है कि हमारा कोई प्रदेश अध्यक्ष है और हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, जानकारी तक नहीं है। जब हम मीटिंग कराएंगे, प्रत्येक वार्ड में पहुँचेंगे, प्रत्येक प्रखंड में पहुँचेंगे, प्रत्येक जिला में पहुँचेंगे, तब न जानकारी हो पाएगा कि हम अनुरक्षक लोग इकट्ठा हो कैसे करना है, कैसे हम लोगों का धरना प्रदर्शन करना है, कैसे पटने की तैयारी करना है। तो इस सब को लेकर के हम लोग एकजुट होइए, जब तक पटना में धरना प्रदर्शन हम लोग नहीं करेंगे। किसान आंदोलन का आप लोग सुने होइएगा, किसान आंदोलन जो हुआ था, पूरे एक साल तक किसान आंदोलन अपना आंदोलन करके अपना हक और अधिकार ले लिया। हम लोग तो अनुरक्षक के पद पर है, हम लोगों को हटाया नहीं गया है, सिर्फ इतना मांग है कि हम लोगों का जो पैसा आया, आज तक पैसा मिला क्यों नहीं मिला? हम लोग तो पैसा की मांग के लिए ना धरना पर बैठेंगे, अनुरक्षक तो हम लोग है, ये है, कहीं से हम लोग नहीं हटे हैं। हाँ, चाबी छीना जा रहा है, चाबी क्यों छीना जा रहा है, किसके आदेश पर चाबी छीना जा रहा है, कहाँ लेटर निकला हुआ है कि चाबी छीन लेना है? तकनीकी सहायक को उसी 29-35 लेटर में आदेश दिया गया है कि 7 दिनों के अंदर अनुरक्षक की बहाल किया जाए। अगर सभी जगह अनुरक्षक की बहाल नहीं किया गया है, इसका जवाबदेही कौन है, इसका दोषी कौन है? तकनीकी सहायक है, उसे तकनीकी सहायक पर FIR होना चाहिए, विभाग FIR करे क्यों नहीं अनुरक्षक के बहाल किया गया। उस लेटर के बाद में कोई भी आदमी हमें बता दे, आप लोग भी सवाल कीजिए अपने प्रखंड में, आप लोग भी सवाल कीजिए मुखिया से, आप लोग भी सवाल कीजिए अपने BDO साहब से कि 29-35 लेटर के बाद में अनुरक्षक के हटाने का लेटर कब निकला है, कहाँ चाबी छीनने का लेटर निकला है? अगर वार्ड सदस्य अनुरक्षक है तो आप एक लेटर निकालिए, अपने स्तर से ही लेटर निकालिए, अब कहिए कि वार्ड सदस्य अनुरक्षक है, दीजिए लिख करके। लिख करके नहीं देंगे और कहेंगे कि वार्ड सदस्य अनुरक्षक है, मौखिक झगड़ा लगाने की बात कर रहे हैं। तो हम लोग जो है पटना में धरना प्रदर्शन की तैयारी कीजिए, क्योंकि नीतीश कुमार हम लोग का हटाए नहीं है कि हम नीतीश कुमार के विरोध करेंगे। नीतीश कुमार को हम लोगों को नौकरी दिए हैं, नौकरी में रखे हुए हैं, जो भी धांधली हो रहा है ये सब प्रखंड स्तरीय और पंचायत स्तरीय हो रहा है, घोटाला करने के लिए हो रहा है। जो लोग अभी तक इस प्रखंड के लोग मीटिंग में नहीं आए हैं, जिन लोगों को अभी तक जानकारी नहीं हो पा रहा है कि सकरा प्रखंड में बैठक भी हो रहा है, सकरा प्रखंड में कमेटी का गठन हुआ है, उन लोगों को आप लोग अवगत कराइए, उन लोगों से जाकर मिलिए, मोटरसाइकिल निकालिए, फोन से बात कीजिए दिन रात। जब तक आप लोग मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक सभी लोग एकजुट होगा नहीं। आप लोग अपना प्रखंड छोड़कर निकले नहीं हैं, हम प्रखंड छोड़कर निकले हुए हैं, हम जिला छोड़कर निकले हुए हैं, हम हर जगह मीटिंग कराए हैं, काफ़ी भीड़ होता है अदर जिला के मीटिंग में, लेकिन हमारे मुजफ्फरपुर में एक प्रखंड के लोग अगर आएंगे तो पूरा चौक भर जाएगा, नहीं आ पा रहे हैं। क्यों नहीं आ पा रहे हैं? इसलिए कि सभी लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन जिनको जानकारी है वो लोग तो घर से निकलिए। जब कोई आदमी कि कोई भी बच्चा पढ़ाई करता है और वह आदमी एक बच्चा जो है एक लक्ष्य लेकर के पढ़ता है कि हमें नौकरी करना है, दिन रात मेहनत करता है, दिन रात पढ़ाई करता है और अपने लक्ष्य पर लगा हुआ रहता है, वह आदमी वह बच्चा एक न एक दिन अपना लक्ष्य को पूरा करता है और नौकरी लेकर ही दम लेता है। उसी तरह आप लोग एक लक्ष्य बनाइए कि हमें जो है अपना अधिकार के लिए, जो मेरा पैसा घोटाला हो रहा है, हमें जो पैसा नहीं मिल रहा है, उसके लिए हम सभी लोग घर घर जाएंगे, सभी अनुरक्षक को जगाएंगे,
एकजुट करेंगे तब जा करके मेरा पैसा बच पाएगा। 100 रुपया कमाने के लिए, 200 रुपया कमाने के लिए हम लोग मीटिंग में नहीं आते हैं, कह देते हैं कि फुर्सत नहीं है। और 1.5 लाख रुपया आपके हाथ से जा रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है? 1.5 लाख रुपया आपके हाथ से जा रहा है, नौकरी भी जा रहा है, जमीन भी जा रहा है, सब कुछ जा रहा है, और जब मीटिंग के लिए बात होता है तो फुर्सत नहीं है। जितने लोग हमें यहाँ आए हैं कम नहीं है, 50 आदमी के करीब में है। यह 50 आदमी अगर सब लोग यह सोच ले कि सभी लोग हम लोग मेहनत करेंगे, एकजुट होने की कोशिश करेंगे, सभी लोगों को जगाएंगे, तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बहुत कम समय में ही पूरे प्रखंड के लोग एकजुट हो जाएंगे। और एक दिन बहुत बड़ा मीटिंग कीजिए आप लोग, जिसमें बिहार के जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, अगर आप लोग मेहनत कीजिएगा और मेरे पास कॉल कीजिएगा, सभी जिला अध्यक्ष को मैं आपके सकरा प्रखंड में मैं बुलवा दूंगा, और वहां पर जो है बहुत बड़ा भव्य मीटिंग करवा दूंगा। उसके बाद बहुत ही जल्द हम लोग पटना की तैयारी में कर रहे हैं। पटना के अनुरक्षक लोग हैं, उन लोगों से रात भी बात हुआ है, प्रतिदिन बात हो रहा है। ऐसा थोड़े कि हम लोग मुजफ्फरपुर जिला में खाली अनुरक्षक है, जो पटना शहर है वहाँ भी अनुरक्षक है। जब हम पटना में धरना प्रदर्शन करेंगे तो वहाँ के अनुरक्षक हम लोगों को साथ देने के लिए तैयार है, कह रहा है कि हम लोग आपके साथ है, आइए। 24 घंटा की धरना प्रदर्शन होगा, रात भर हम लोग वहाँ रुकेंगे। 1 लाख के करीब में हम लोग अनुरक्षक है, 50,000 तो कम से कम वहाँ पहुँच सकते हैं हम लोग। जब 50,000 धरना स्थल पर पहुँचेंगे, 50,000 आदमी जब अपने अपने विधायक को कहेंगे कि विधायक साहब हम आपके लिए मेहनत करते हैं, हम आपको मदद करते हैं, आप हमें मदद कीजिए, मेरा पैसा कहाँ हुआ, हम आपसे नौकरी थोड़ा मांग रहे हैं, हम तो नौकरी में है, ये है, हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हमारा पैसा कहाँ हो गया। रिपेयरिंग के लिए जो रुपया आया, वह रिपेयरिंग के रुपया अगर हम लोगों को नहीं मिलेगा तो नल जल चलेगा कैसे, कहाँ से रिपेयरिंग होगा? मानदेय का जो रुपया आया, मानदेय का रुपया हम लोगों को मिलेगा नहीं तो हम लोग भूखे पेट में मेहनत करेंगे? पैसा की मांग कीजिए। मोतिहारी जिला में पैसा मिला है, मोतिहारी जिला के प्रखंड पदाधिकारी ने लेटर जारी किया है WIMC के पक्ष में कि 2 दिनों के अंदर, कहीं लेटर जारी किया है कि 8 दिनों के अंदर अनुरक्षकों को पेमेंट करें। अगर आप अनुरक्षक को पेमेंट नहीं करते हैं तो आप पर FIR दर्ज किया जाएगा। BDO का लेटर निकला हुआ है और हमारे प्रखंड में मुजफ्फरपुर में एक भी लेटर नहीं निकला है इस तरह का। क्यों नहीं निकला है? एक ही चिट्ठी है। मुजफ्फरपुर के अधिकारी कुछ और पढ़ रहे हैं, सिवान के अधिकारी कुछ और पढ़ रहे हैं, छपरा के अधिकारी कुछ और पढ़ रहे हैं। मतलब कि एक ही चिट्ठी को अलग अलग अधिकारी अलग अलग ढंग से पढ़ रहे हैं। क्यों? कहीं के अधिकारी कह रहे हैं कि अनुरक्षक को पेमेंट करो, और कहीं के अधिकारी कह रहे हैं कि ना वार्ड से 10 अनुरक्षक। अलग अलग लेटर है, नहीं है? तो आप लोग RTI के माध्यम से जिला अधिकारी से मांग कीजिए कि नल जल किसको चलाना है। पंचायती विभाग मुजफ्फरपुर में है, DM कार्यालय के पास। आप लोग RTI के माध्यम से एक फॉर्म भरिए, ऑनलाइन कीजिए, घर बैठे बैठे आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं, बौसदा केंद्र से ऑनलाइन कर सकते हैं। इतना ही पूछिए ना कि पानी किसको चलाना है, ज़्यादा कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। क्या जवाब आता है? क्यों हम लोग दुविधा में फंसे हुए हैं कि पानी किसको चलाना है? वहाँ से जवाब आएगा ना कि पानी किसको चलाना है? BDO साहब को आदत है कि वार्ड से 10 पानी चलाएगा तो हम मान लेंगे? BDO साहब अगर कहते हैं मौखिक कि वार्ड से 10 पानी चलाएंगे तो BDO साहब लिख कर दे कि वार्ड से 10 पानी चलाएंगे, खाली जबरदस्ती पैसा घोटाला करने के लिए। आप लोग मीटिंग से उठने के बाद, यहाँ से जाने के बाद सोइए मत, एक दूसरे से बात कीजिए। जो नल जल संबंधित बहुत यूट्यूबर लोग हैं, वीडियो बनाते हैं, अपने अपने मोबाइल से शेयर कीजिए, ताकि पूरे बिहार में, पूरे जिला में हर एक अनुरक्षक के पास वीडियो पहुंचे और जगने की कोशिश करें। जब तक बैठे रहिएगा, सोए रहिएगा, हाथ पर हाथ धले रहिएगा, कामयाबी हासिल नहीं होगा।
आगे बढ़िए, आगे निकलिए। अभी कुछ देर में यहाँ मीटिंग समाप्त होगा, मीटिंग समाप्त होने के बाद में आप लोग जाइएगा नहीं, रुकिएगा, आप लोगों का हम इंटरव्यू लेंगे, किनको किनके पास क्या समस्या है, किनको क्या दिक्कत है, आप लोगों का मैं वीडियो बनाऊंगा और अपनी अपनी समस्या को रखेंगे। कोई आदमी नहीं जाएंगे अभी।